पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और 84 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों से ठगी करते थे। दिल्ली से सटे हाईटेक शहर नोएडा में एक बार फिर ठगी का बड़ा रैकेट सामने आया। नोएडा पुलिस कमिश्नरी की एक टीम ने साइबर ठगों के अड्डे पर छापा मारकर एक नहीं पूरे 84 ठगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस आयुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस वार्ता में बताया कि थाना फेसबन पुलिस के द्वारा नोएडा में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। कॉल सेंटर A18 सेक्टर 6 में चलाया जा रहा था। फर्जी कॉल सेंटर के निशाने पर ज्यादातर अमेरिका के नागरिक थे। मौके से थाना फेसबन पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। कॉल सेंटर से 150 कंप्यूटर सेट, 13 मोबाइल, एक बड़ा सर्वर राउटर के संग एक क्रेटा कार, 20 लाख रुपए नकद, 42 वर्क प्रिंट आउट और 2 प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। कैसे हुआ, क्या जानकारी मिली थी, थोड़ा बताइए। एक ये इनपुट फेसबन पुलिस स्टेशन को मिल रहा था कि इनके यहाँ पे कॉल सेंटर रन कर रहा है, जिसमें कुछ लोग जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें ADCP नोएडा और ACP सेकंड सुशील के नेतृत्व में इसको ब्रस्ट किया गया और इसमें मौके से 84 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। लगभग 150 कंप्यूटर्स हमने सीज किए हैं, एक क्रेटा गाड़ी मिली है, 20 लाख रुपए मौके से रिकवर हुआ है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग एक वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज के थ्रू US सिटीजन्स को फ्रॉड करते थे, उनको भेजते थे कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। वो जैसे ही उस मैसेज को सुन करके और हेल्प के लिए प्रेस करते थे बटन्स को, कॉल इनके यहाँ लैंड होती थी। लैंड होने के बाद ये उनको ये विश्वास दिलाते थे कि हम सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपका जो अकाउंट कंप्रोमाइज़ हुआ है इसको सेव करने की ज़रूरत है, अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स बताइए। और उनसे डिटेल्स ले करके और डिफरेंट मीन्स से, जिसमें बिटकॉइंस भी है और जो है वो वाउचर्स भी हैं, उसके माध्यम से जो है वो पर नाइट में लगभग 30 से 40 लाख रुपये का फ्रॉड करते थे ये। तो इस तरह से ये एक बड़े लेवल पर फ्रॉड होता था। इसमें 84 लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी 2 लोग इसमें जो मास्टरमाइंड है वो एब्सकॉन्डिंग है, उनके लिए भी टीम लगी है, जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्या है, कितने लोग, कितने पैसों की ठगी करते थे रोजाना? ये 30 से 40 लाख रुपए जो मोटा मोटी अमाउंट है डॉलर्स में जो है वो। सर, ये जो हायर करते थे, मास्टरमाइंड का नाम क्या था, वो कितने समय से यहाँ पे? हर्ष और योगेश, 2 लोगों का जो है वो इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है और ये लगभग 4 महीने से चल रहा था। ठीक है, और भी एजेंसी? हाँ, इसमें हम लोग जो है वो और भी एजेंसी की मदद लेंगे। थैंक यू।